अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से ही होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आज बनाई है मलाई से देसी मक्खन निकालना। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़। और शुरू करते हुए 2 चम्मच मैंने दही लिया है, बाकी मैंने फ्रीज किए हुए मलाई ली है। और दही को मैंने अच्छे से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने जो फ्रीज़ की हुई मलाई है वो मैंने एक बड़ी पतीली में डाल लेना है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन देसी मक्खन ज़्यादा शौक़ से खाता है। और इससे आप घी भी निकाल सकते हैं। जब हमारा मक्खन तैयार हो जाएगा तो आप उसको गर्म करेंगे तो आपका देसी घी तैयार हो जाएगा, और बहुत ही मज़े का देख सकते हैं। बाउल में काफ़ी हमारी मलाई इकट्ठी हो गई थी तो मैंने सोचा देसी घी निकाल लिया जाए या देसी मक्खन निकाल लिया जाए। अभी तो मैं मक्खन बना रही हूँ, इतना ज़्यादा तो खाया भी नहीं जाएगा, तो इससे मक्खन ही देसी घी बना लूँगी। आधा मैं मक्खन रख लूँगी तो आधे का मैं घी निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी मलाई है हमारी। इसमें मैंने अभी 2 चम्मच जो दही है वो इसमें ऐड कर दूँगी। मलाई को व्हिस्क करने से अच्छा है कि आप लोग ऐसे फ्रीज कर लिया करें। वैसे जो फ्रेश मलाई होती है वो तो हम लोग शौक़ से खा भी लेते हैं, और अगर कभी नहीं खानी होती तो हम लोग रख लेते हैं। दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो हम लोग एक बाउल में इकट्ठी करते रहते हैं, फ्रीज करते हैं। वो जब इकट्ठी हो जाती है तो इसी तरह हम उसका मक्खन निकाल लेते हैं, या घी की ज़रूरत हो तो घी बना लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है दही के साथ। तो अभी हमने इसको एक रात के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। ये देखिए मैंने इसको ढांप दिया है और एक कपड़े से मैं इसको कवर करके रख दूंगी एक रात के लिए। अगली सुबह या अगली दोपहर आपके पास जब भी टाइम हो तो आप इसको ब्लेंड कर लें। तो ये सुबह हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो मैं अब एक जूसर मशीन में इसको ब्लेंड करूँगी। चलें तो ब्लेंड करते हैं अभी हम। तो ये मैंने एक जूसर का जो जग है वो लिया है, तो मैं इसमें भी मक्खन मलाई डालूँगी। और इसमें मैंने फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी से हमारा मक्खन तैयार होगा। इसमें हम ठंडा पानी डालते रहेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे तो हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो जाएगा। पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगेगा ये। और तकरीबन आपको ये 1 हफ्ता तो बहुत फ्रेश मक्खन लगेगा, उसके बाद आप चाहें तो उसका गरम करके घी निकाल सकते हैं, देसी घी। मेरा जो बेटा है आर्यन, वो बहुत शौक़ से ये मक्खन खा लेता है। तो ये हम सारी जो मलाई है उसका ऐसे ही ठंडे पानी के साथ हम मक्खन निकालते रहेंगे। तो इससे लस्सी कैसे अलहदा होती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो लस्सी बची है इस तरह, वो हम इस तरह इसको हाथ में लेकर प्रेस करते रहेंगे, और इसकी जो कैसी है वो हमने बनानी है ताकि इसकी जो लस्सी है वो मक्खन से अलहदा हो जाए। इस तरह आप बनाते रहेंगे और मक्खन से जो इसका पानी और लस्सी है वो अलहदा हो जाएगा। तो हमारा मक्खन तैयार हो, बहुत ही मज़े का मक्खन निकला है, बहुत ही देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भी निकला है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बहुत ही इजी है मक्खन निकालना। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, और आप लोग हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।